वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे बालों के लिए जो कि बहुत ही हेल्दी होगा हेयर ऑयल, और इसको आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने कई रेसिपी आप लोगों के साथ आंवले की शेयर की है, तो आज उसी में से एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने जो आंवले का झुन्ना बनाया था, तो उसमें से जो आंवले की गुठलियाँ बची हुई थी ना, उसी से हम लोग ऑयल बनाने वाले हैं। और ये ऑयल है, ये बालों के लिए बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ में सहायक आंवले में विटामिन ई पाया जाता है, इसलिए आंवला बहुत ही हेल्दी है हमारे बालों के लिए। बालों का झड़ना भी कम करता है और आंवले का प्रयोग बालों को की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है बालों की, और बहुत अच्छे फायदे करते हैं। बालों को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको किसी भी प्रकार से आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर सरसों के तेल से ये आंवला का जो ऑयल तैयार करेंगे ना, उसी से हम बनाने वाले हैं। क्योंकि हमारे घर का ऑयल है, हम लोग चक्की में इसको बनवाते हैं। पहले सरसों लेते हैं ना, उसको हम चक्की पे उसका तेल निकलवाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल लिए हुए हैं। ये हमारा मार्केट का ऑयल नहीं है, घर पे हम इसको तैयार करवाते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है जो आंवले की गुठलियाँ बची हुई थी ना, तो इसी से हम ऑयल बनाएंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल जैसे गर्म होता है ना, तो हम ये गुठलियों को डाल देंगे। और पिछली रेसिपी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आंवले का झुन्ना बनाया हुआ था, तो उसी में से गुठलियाँ निकली हुई थी। आप साबुत आंवले का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं। सारे जो इसमें विटामिन होते हैं इसी में होते हैं, इसकी गुठलियाँ जो अंदर से अच्छे से पक जाएंगी। और हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम आँच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना, सारा इसी ऑयल में ख़त्म हो जाएगा। और देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से पका लिया है। और जो ये यहाँ पर गुठलियाँ बचेंगी ना, इसका भी हम अभी आपको आगे इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि हम इसको भी नहीं फेंकेंगे। क्योंकि आंवले का जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे ही बहुत हेल्दी हैं। इसके बीज का भी आप पाउडर बनाकर बालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। और जानते हैं, सबको पता है कि बालों के लिए जो आंवला होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है। और आंवला और नारियल के तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। और आंवला का पाउडर भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला रीठा सीखा काई को बालों में लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे हम आंवले से ही केवल बना रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ठंडी का सीज़न है, आंवले के साथ हम इसको पकाए। पिछली बार भी हमने आंवले का उसका नारियल का तेल बनाया हुआ था, तो उसमें हमने गुड़हल के फूल हमें मिल गए थे आसानी से। इस टाइम पे ठंडी का सीज़न है तो हमें मिल नहीं पा रहा है गुड़हल का फूल, तो हमने ऐसे ही इसको बनाया। और यहाँ पे हमने इसको छान लिया है। छानने के बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और हम चलते हैं, जो हमने आंवले की गुठलियाँ निकली है ना, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और देखिए, हमारा बिल्कुल हेल्दी और सुरक्षित ऑयल घर में हमने बनाकर तैयार कर दिया है। अगर आप इसको ठंडियों में बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाएं, और अगर हम लोग गर्मियों में बनाते हैं इसको, तो जो ये आंवले की गुठलियाँ निकलती हैं ना, हम रेसिपी कोई वगैरह बनाते हैं जैसे, तो ये आंवले की गुठलियाँ निकलती हैं, तो हम इनको खूब अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लेते हैं और इसको धूप में सुखा लेते हैं। और धूप में सुखाने के बाद जो ऑयल रहता है सरसों का, तो उसमें हम लोग इसको डाल देते हैं। उसमें एक भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसको ऑयल में डाल दें, सरसों के तेल में, और उसको रहने दें 2 से 3 महीने के लिए। उसके बाद उस ऑयल को अगर आप बालों में अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी बालों के लिए आपके बहुत हेल्दी होगा। और यहाँ पे हमने जैसे ही ठंडा हो गया हमारा ऑयल, हमने एक कंटेनर में डाल दिया है। और इसको आप आराम से ठंडी गर्मी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ठंडियों में पका के लगाते हैं और गर्मी में बगैर पकाए हुए इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो ये हमारी गुठलियाँ बची हुई थी ना, हम इसका भी आप लोगों के साथ इस्तेमाल करके दिखाते हैं। ये गुठलियों में हमने डाल दिया भुना हुआ जीरा और धनिया का, दोनों का पाउडर मिक्स करके डाल दिया। और इसमें डाल दिया नमक। अब डाल देंगे जो हमने मसाला मिर्ची बनाकर तैयार की हुई थी ना, वही हम यहाँ पर मसाला मिर्ची का ऐड कर रहे हैं। मसाला मिर्ची की रेसिपी आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी ये मसाला मिर्ची बनती है। आप इसको रोटी पराठे किसी के साथ खा सकते हैं, किसी भी सब्जी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, बहुत अच्छे हमारे जो आंवला का अचार भी बनकर तैयार हो गया है। इसमें हल्दी वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे भी ऑयल जो हमारा सरसों का था, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर हमने हल्दी का यूज़ नहीं किया। और इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, ये भी ख़राब होने का इसमें कोई चांस नहीं है। आप इसको 1 साल 2 साल 4 साल जब तक आपको स्टोर करके रखना है, आप इसको आसानी से रख सकते हैं। और हमारी ये तीन रेसिपी बनकर एक ही आंवले से 3 रेसिपी बनकर तैयार हुई। इसके पहले हमने इसी आंवले से झुन्ना बनाया, इसी आंवले से हमने तेल बनाया, और इसी आंवले से हमने अचार बना लिया। तो एक आंवले से हमने 3 रेसिपी बनाकर तैयार की है ना, कितना हेल्दी और
फायदे भी इसके अनेक हैं और इसको हमने इस्तेमाल भी अच्छे से कर लिया, हमारा एक भी बर्बाद भी नहीं हुआ कोई सामान और हमारा ऑयल ठंडा हो गया। अभी हम आपको इसको हम अपने बालों में भी अप्लाई करके दिखाएंगे। आप लोग सोचते होंगे कि बना के रख दिया लगाएंगे नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग इसको लगाते भी हैं और आज तक मैंने अभी अपने बालों में मेहंदी कभी नहीं लगाया क्योंकि मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, उसकी खुशबू बालों में अच्छी नहीं लगती और मुझे उलझन भी बहुत होती है बालों में, मैं कभी नहीं लगाती और हमेशा मैं यही सरसों का तेल लगाती हूँ बालों में और कोई अन्यथा कोई ऑयल मैं अपने बालों में नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आता। इससे बाल भी हमारे झड़ते नहीं हैं और सफ़ेद भी नहीं पड़ते और क्या कहते हैं, बहुत इसके फायदे हमारी सासू माँ बताया करती थी, इसीलिए हम लोग हमेशा सरसों का तेल ही लगाते हैं। इसमें हम लोग ये लगा देते हैं जैसे आंवला है ठंडी में इस तरह से बना लिए और गर्मी में हम लोग सूखा आंवला डाल दिए तो अच्छा लगता है और इसको आसानी से हम लोग बालों में अप्लाई करते हैं और आप हमारे बालों की ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें कोई बताने की बात नहीं है, ना तो ये कोई फालतू है कि जैसे हम कहीं से बालों का वीडियो निकाले हुए हैं, ये तो आप हमारे हाथों को भी पहचान सकते हैं, ये हमारे हाथ है, यही हमारे बाल भी हैं और हम ऐसे ही इसको लगाते हैं। ठंडियों में थोड़ा ऐसे पका के लगाते हैं और गर्मियों में हम इसको बताया ना कि खूब अच्छे से सुखाने के बाद इसको ऑयल में डाल देते हैं, आराम से 2-3 महीनों के लिए इसको पड़ा रहना देते हैं, उसी में पड़ा रहता है और उसके बाद हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ आप सबके सामने है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।